नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सुवासिया आपको रामदेव मेला ठरडा में स्थित आपका उसके दर्शन कराएंगे आपको। ये ठरडा में स्थित बाबा रामदेव जी का मेला है, यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। कोरोना होते हुए भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ दिख रही है आपको। तो दोस्तों आपको दिखाएंगे मेले में क्या क्या लोग, कितने लोग आए हैं, कैसी भीड़ है, क्या क्या है। तो दोस्तों आप अगर आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं मेले में। देखिए दोस्तों, रामदेव जी मेले में आए हो, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बाबा का मंदिर में वो लॉकडाउन की वजह से सारा कुछ उस तरफ सब बंद हो गया था। बाबा की कृपा है, जो लॉकडाउन में भी बाबा का दर्शन हो रहे हैं सबको। आज के दिन ये मेला क्यों लगता है आपको बता सकते हो आप? ये मेला बाबा का इच्छा पूर्ण बाबा है, रामदेव बाबा सबकी इच्छा पूरी करते हैं, जो दुख दर्द होता है वो दूर करते हैं, सबके मन की भावना है। क्योंकि आज के दिन बाबा रामदेव ने समाधि ली थी पोखरण क्षेत्र पे, इसलिए आज के दिन ये मेला लगता है। जी जी, धन्यवाद आपने इतना बताया। तो दोस्तों हम और भी लोगों से राय लेंगे। ये मंदिर है, देखो शिव जी का मंदिर है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, और आगे बाबा रामदेव जी का मंदिर है तो वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ मिलेगी आपको। तो भैया से पूछेंगे, भैया बताइए आपको बाबा रामदेव जी के मेले में आए हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है आज। मेले में आपने क्या क्या देखा? मेले में बहुत कुछ देखा आज हमने। तो आज के दिन बता सकते हो मेला ये क्यों लगता है आज के दिन? आज के दिन रामदेव जी बाबा का जन्मदिन हुआ था, इसका ये मेला लग रहा है। आज के दिन बाबा रामदेव ने पोखरण क्षेत्र पर समाधि ली थी, इसकी वजह से ये मेला आज के दिन लगता है, भादवा की दसवीं को। धन्यवाद आपने इतना बताया। तो दोस्तों ये शिवालय में स्थित सबसे बड़ा शिव जी का मंदिर है, काफ़ी यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। मंदिर को आपके आगे से दर्शन करवाते हैं दोस्तों, आगे चलिए अंदर से दिखाते हैं मंदिर कैसा है। बहुत ही बड़ा मंदिर है, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो कितनी भीड़ नज़र आ रही है आपको, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के लिए। और ये देखो शिव जी का मंदिर है तो नज़दीक यहाँ पे भी शिव जी के दर्शन करने के लिए आए हैं, काफ़ी लोग जा रहे हैं यहाँ पे। देखो कितनी भीड़ नज़र आ रही है, पंजाब से आए जाना था। आप बताइए मेले में आए हो आप बाबा रामदेव जी के, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। और पहली बार आए हो यहाँ पे? ना, हर साल। कहाँ से आए हो? लुधियाना से। कितनी दूर से आए हैं? देखो दोस्तों यहाँ पे रामदेव जी का मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, तो ये दर्शन करने के लिए आए हैं। बाबा रामदेव जी का मेला आज के दिन क्यों लगता है? दसवीं के दिन बाबा गया था। आज दसवीं के दिन, लेकिन आज के दिन ऐसा क्या खास दिन है कि भाई आज मेला लगता है? आज बाबा का हम अपनी मनोकामना मांगने आते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे आते हैं बाबा रामदेव जी का दर्शन करें। मैं पंजाब से आया हूँ, लुधियाना से। ये भी देखो पंजाब अपनी मनोकामना मनोकामना लेके आए हैं। गाँव वैसे सुजान के जाया जाते हैं, पंजाब है पर आना है ना, मन का विश्वास है। आज के दिन बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी, इसलिए ये मेला लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेले में आए हो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल अच्छा, तभी तो आते हैं। सही है, आपने क्या मनोकामना मांगी है बता? जो अपनी मनोकामना है उससे हमारे फर्क पड़ जाए, जो मनोकामना मांगी थी वो सही है, यही है, उससे काम सिद्ध हो जाए, इस कारण आते हैं। सच्ची श्रद्धा से जो मनोकामना मांगते हैं उनकी पूरी भी होती है। इन्होंने बताया कि मैंने मनोकामना पिछली बार मांगी थी तो मेरी पूरी हुई, तो इस बार ये भी ये दर्शन करने के लिए आए हैं बाबा रामदेव जी के, तो इनको बहुत ही अच्छा लगा है, धन्यवाद। ये भी लुधियाना से आए, आंटी जी से बात करते हैं, आप मेले में आए हो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो कितने टाइम से आए हो आप? पहली बार आए हो या इससे पहले भी आए हो? नहीं, बहुत बार। बहुत बार आए हो। आपने क्या मनोकामना मांगी बाबा रामदेव जी से? बाबा मनोकामना मांगा जी क्यों है पूरी? हाँ, तो इनका कहना है कि जो मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है, तभी लोग यहाँ पे श्रद्धा लेके आते हैं, आस्था लेके आते हैं। आपको मेले में आके कैसा लगा? अच्छा लग गया। एक तो लॉकडाउन की वजह से भीड़ कम है। हाँ, लॉकडाउन की वजह से इस बार भीड़ कम है। आंटी जी से पूछे आप मेले में आए हो, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगे है, बाबा अपनी मनोकामना पूरी करे। तो मनोकामना पूरी होते हैं तब लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत दूर से आए लुधियाना से। ये भी लुधियाना से आए? लुधियाना से आए बाबा का। दूर दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं काफी दर्शन करने के लिए, बाबा मनोकामना पूरी करे। आज के दिन ये मेला क्यों लगता है? आज के दिन दसवीं है बाबा रामदेव जी की। दसवीं तो है, लेकिन आज का क्या खास दिन है कि भी आज का क्या दिन है? बाबा समाधि लेनी आज बाबा की। अच्छी बात है, आज के बाबा की समाधि लेनी, समाधि लेनी, समाधि ली थी, इस वजह से ये मेला लगता है। दूज का जलम है, दूज का जलम की समाधि, दूज का बाबा की, दूज को इनका जलम होता है और दसवीं को इनका समाधि, समाधि मेला लगता है, इसलिए आते हैं बाबा के। श्रद्धा भाव से आता है, मन की कामना सारी पूरी होती है बाबा से। तो इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली, श्रद्धा लेके आते हैं लोग और मनोकामना मांग के आए हैं, कितनी दूर से आए हैं भक्त, तो इनकी मनोकामना बाबा रामदेव जी ज़रूर पूरी करेंगे। तो दोस्तों आपको आगे से दिखाते हैं मंदिर, ये देखिए दोस्तों शिव जी का मंदिर है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, काफ़ी श्रद्धालु आए हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों अंदर से दिखाते हैं आपको, ये देखिए कितनी भीड़ नज़र आ रही है, काफ़ी भक्त आए हैं यहाँ पे शिव जी के दर्शन करने के लिए।
रामदेव जी के मेले के नज़दीक में ये थोड़ा शिव जी का मंदिर है पास में ही, तो यहाँ पे देखिए लाइव आपको दर्शन दिखा रहे हैं, शिव जी के दर्शन भी करवा रहे हैं दोस्तों। तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। मंदिर भी काफ़ी सुंदर है, अंदर से ऊपर से काफ़ी अच्छा मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। सुजानगढ़ में ये सबसे बड़ा मंदिर है शिव जी का, तो बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो दोस्तों अपन भी आगे चलते हैं, दिखाते हैं और भी यहाँ पे क्या क्या सुंदरताएँ हैं। तो दोस्तों देखिए ये मंदिर के अंदर की साइड का दृश्य है, ये देखो भगवान कृष्ण जी और राधा की मूर्ति है, बहुत ही अच्छी है, सुंदर मूर्ति है, आगे आपको चल के दिखाएंगे। तो ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पे बनी हुई है, काफ़ी लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो आपको काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है।